रामनवमी को लेकर खासकर राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग शहर के पुलिस कप्तानों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। रामनवमी को लेकर आज राजधानी रांची में हुई हाई लेवल मीटिंग में यह निर्देश जारी किया गया। गृह सचिव वंदना दादेल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद DGP अजय कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि रामनवमी की सुरक्षा को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। सभी जिलों के DC और SSP और OSP से सुरक्षा को लेकर खींचे गए खाका की डिटेल जानकारी ली। DGP ने कहा कि रामनवमी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर स्पेशल फोर्स तैनात किए जाएंगे। सांप्रदायिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। उत्पादियों और खुराफातियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। थाना से लेकर पुलिस कप्तानों तक से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। मीटिंग में पुलिस प्रशासन के कई आला अधिकारी मौजूद थे। वहीं जिले के DC और SP VC के माध्यम से मीटिंग में जुड़े थे। हाई लेवल मीटिंग में मौजूद IG ऑपरेशन AB होमकर ने बताया कि पूरे झारखंड में 4700 अखाड़े हैं। हर सेंसिटिव जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। सुनिए क्या बोले IG होमकर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और DGP झारखंड महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से सभी जिलों के उपायुक्त, SPs, इसके साथ साथ जो वरीय पदाधिकारी, रेंज DIG, जनरल IG के साथ में तैयारियों की समीक्षा की गई और इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी है, जो अपेक्षित है, उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रामनवमी एक बहुत ही संवेदनशील पर्व है और झारखंड में खासकर कुछ एक जिले इसको लेके सेंसिटिव रहते हैं, खासकर जैसे रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, गिरडी, लोहरदगा, पलामू, इन सभी जिलों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है और सभी आवश्यक जो कार्रवाई वो की जा रही है। कुल मिलाकर पूरे झारखंड में करीब 4700 से ऊपर जो है अखाड़े हैं, जो कि जो जुलूस चलते हैं और रामनवमी के अखाड़े हैं, तो उन सभी के संबंध में SPs के द्वारा, जिलों के द्वारा जो है उन अखाड़ों के साथ बैठकें कर ली गई है। विशेषकर जो रामनवमी के जुलूस चलते हैं उसमें जो जुलूस के मार्ग होते हैं उन सभी का सत्यापन लगातार किया जा रहा है और इस समय में उनको विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि जुलूस के मार्ग में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हो और अगर कोई भी ऐसी संभावना है तो उस संबंध में संबंधित उपायुक्त और SP निर्णय लेंगे। इसके साथ ही जितनी जो धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या अन्य धार्मिक स्थल है, उनकी मॉनिटरिंग हेतु विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी तरीके का कोई जो असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई छेड़छाड़ करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं हो।